शदीद सर्दी, स्मॉग और धुंध, स्कूलों में एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा तालीम ने एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने या ना बढ़ाने के मामले पर मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। आपको बताएं, स्कूलों में एक हफ्ता मजीद छुट्टियाँ बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, जुनेद बताइएगा। जी, लाहौर में शदीद सर्दी, स्मॉग और धुंध की वजह से मजीद एक हफ्ता छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मशावरत जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि इससे कबल जो है वो छुट्टियां जो है वो 1 जनवरी तक दी गई थी और उसके बाद उसको मजीद एक हफ्ता अदालती अहकाम के ऊपर एक्सटेंड किया गया था, लेकिन क्योंकि अभी भी शहर भर में धुंध की वजह से स्मॉग जो है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा देखने में आ रहा है और सर्दी की वजह भी से भी बच्चों के बीमार होने का जो है वो खदशा है, तहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो इसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है कि छुट्टियां 9 तारीख से 15 जनवरी तक जो है वो बढ़ा दी जाए और जब दोबारा तालीमी इदारे खुले तो लाहौर शहर में एक तो स्मॉग कम हो जाए और दूसरा जो है वो सर्दी की शिद्दत भी जो है वो कम हो जाए। इस हवाले से जो फैसला किया गया है ये वालदैन के शदीद इसरार के ऊपर किया गया है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि खुश्क सर्दी की वजह से बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं और उनको नजला जुकाम और गले खराब की शिकायत जो है वो काफी हद तक बढ़ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।